अरे अरे मेरी बहन, कहाँ को चल दी, कहाँ से आ रही है? अरे कहाँ को जाऊंगी, पानी भरने जा रही हूँ। पानी भरने? अरे मैं भी वहीं को चल रही, तू पानी भरने लगता धोने चल ले। अच्छा, और बहुत दिनों में दिखाई दिए? बहुत दिनों में क्या दिखाई दूंगी, आदमी ऐसा रहा ना तो एक दिन दुनिया को प्यारी हो जाऊंगी, फिर दिखना ही बंद हो जाऊंगी जमाने में। देखिए तू, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, कतई किस्मत फूट गई हमारी शादी करके। सुधरने का नाम ही ना ले, पता ना वो कौन सा दिन था जो हमारी कुंडली में दोष आए और इस आदमी से हमारा ब्याह ठहरा। मुझे तो ऐसा लग रहा मेरी कुंडली में दोष था। हैं? तू मानती है इस बात को? अरे अब तो मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, मैं तो मानती हूँ शुरू से, और उस दिन को कोसती जिस दिन से ब्याह करके इसके घर में आई, मैं फेरे लेकर अपनी मती मारी फूट गई मेरी तो। अरे बहन, तूने तो फिर वो क्या कहते हैं, तेरे माँ बाप ने शादी करी, मैंने तो अपनी पसंद से शादी करी थी। हाय, तो तुझे यही मलूक मिला, कहीं नदी नाले में कूद जाती, वैसे तुझे आत्महत्या करनी है तो। अरे जब तो प्यार का भूत सवार हो रहा था कर ली, अब मुझे क्या पता थी कि इतना बेकार खराब निकले। तो तेरे जूते में और जोर होना चाहिए। अरे जो जो घर वाले पसंद कर दे ना, उससे तो हमें दबका रहना पड़े। हाय, तो अरे पागल है तू, ऐसे मत के, जो घर वाले करते हैं ना उसमें जो जोर रहता है, जो अपनी मर्जी से करते हैं उसमें जोर नहीं रहता। वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मियां मिट्ठू तो बनना पड़ेगा आदमी लोग का, लोगों को हे जी पैर दबा, ये हो अब पसंद की शादी में क्या हो बे, लाला पैर दबा दे, लाला तू चाय ला दे, पानी ला दे। अरे यहाँ तो ये भी ना कह सके लठ तैयार रह बे। और लेकिन हाँ, हमारे जूते में जोर है, हम तो उल्टा लठ तैयार रखे, अब ना होता हमसे गुलामी, कर ली हमने जितनी करनी। ऐसे तो मैं भी किसी की गुलामी नहीं करती भाई। हाँ करनी थी मैंने जितनी करनी थी, शुरू में कर ली, अब ना हो मेरे से, अब तो यहाँ तक भर गया मेरे। सुबह उठा दू चाय बनाने के लिए। सही करा, चलो चाय बना के लाओ, बस कमाए भी है ना निठल्लो। अरे यही तो सबसे बड़ी दुखी हूँ मैं घर में कि कमाता, यही दुविधा है, यही दुविधा हमारे साथ है। चला कम से कम कमाता तो कम से कम अपनी शौक मोस्ट तो थोड़ा पूरा। ये बात तो तू सही कह रही है, ये बात तो मैं तेरी लाख रुपए की मानूंगी, क्योंकि ये तो ऐसा भाग में लिखा गया है हमारे। लेकिन हाँ, मैंने एक काम सोचा, अगर तू कहे तो बताऊंगी। चल आगे चल कर, आजा बात करते करते, चला आजा, मिल गई है तो चल। आजा री आजा, कैसे ढीली पड़ी पड़ी है, क्या बात है, खान पीना ना खा रही क्या? अरे खाना पीना तो सब सही चल रहा है, बस यही टेंशन लगी रहती है घर में, एक तो राशन वाले के पैसे बहुत हो गए। तो मार आदमी में झूठ, साले की बेच मार किडनी, बेच दे दिल गुर्दे साले के निकाल के नाश। मेरा बस चले ना तो मैं सारे को ही ना बेच दूं। तो बेच दे फिर, किस बात की देरी नेकी और पूछ पूछ। दो चार करोड़ रुपए मुझे कोई दे जा, पर इन्हें से कवाड़ों को लेगा कौन? करोड़ों में तो कहीं ना बिकेंगे, तू हजार की बात करे तो मैं चल समझू, तू तो तेरी तो मती मारी गई लग रहा है। अरे मैं तो यही सोच रही थी यार, अगर ये बिक जाए ना तो मैं तो सच्ची बता रही हूँ, आत्मा से कह रही हूँ। अब मेरी बात तो सुने, बिकने पर तूने बहुत अच्छा आइडिया दिलाया। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, गांव में कोई प्लॉटिंग कट रही है, वहाँ मजदूरों की जरूरत है, हमारे आदमी ऐसा काम तो करेंगे ना, तू और हम चल रहे हैं उनके गाँव वालों के पास, प्रधानी जो है उनके पास चल रहे हैं, वो वहाँ पे गरीब लोगों को काम करवा रहे हैं, हम दोनों चल के अपने आदमी की बात करी आ रहे हैं, सारे लुच्चे वहीं काम करेंगे और पैसा कहेंगे हमारे हाथ में दो, सुबह ही उठा कर लट मार के भेजेंगे, अगर इस घर में रहना तो पैसा ला कर दो, जाओ मजदूरी पे, ऐसे ना तो ऐसे सही। चल मैंने तो उपाय निकाला, ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर तुझे उपाय है तो बता। मुझे तो यही उपाय सही लगा, सही लगा, चल आज ही ले तू दे। अरे कहाँ है जी, अरे सुनती हो क्या, क्या सुनाओगे आज भी? आज तो तुम हूर की परी लग रही हो। अरे जी बस रहने दो, हूर की परी रहे कहाँ, हम तुमसे जिस दिन भिया ठहरो सो उस दिन ही हमारी मट्टी पलीत हो गई से। कैसी कैसी एकदम बेकार सी बातें करती है, आदमी घर में आया है कुछ खाने की पूछ, आदमी हमारे ना सोच सके, पता है 22 गांवों का सरपंच हूँ मैं। अच्छा सरपंच, लाओ कितनी गड्डी गिन लाए सरपंच में जाके, लाओ दे दो मैं गिल्लू। सरपंच में गड्डी थोड़ी ना मिले, बातें मिले, बातें मैं तुझे दे रहा हूँ तुरंत की तुरंत। अच्छा ये बातें अपने पास ही रख लो, अब मेरा बस चले तो तुम्हारी बत्ती बना के पिछवाड़े में सूट दू, मेरे तो जबान खुलवाइयो मत, जानते ना मैं कितनी बुरी हूँ, फिर मेरे से मत सागर, प्रधानी की बात है। अब कुछ खाना पीना बना दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कुछ खाने को बना दे। हाँ बिल्कुल, मेरा मन कर रहा है एक गिलास दूध मिल जाए तो, दूध मिलेगा, पनीर की सब्जी मिलेगी, मटर पनीर जो मिलेगा, जो भी तुम्हें पसंद है। हाँ तो मैं सब्जी पसंद है वो गोभी की, वो बनाऊंगी बिल्कुल खड़िया कट कर। चल तो चल फिर नेकी और पूछ पूछ इतनी देर हो रही है। थामा 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 थामा, अगर चाह रहे हो है, तो लाओ पैसे दे दो, नोट है रुपया। पैसे कैसे होते हैं पैसे, हमने तो कभी पैसे देखे ही नहीं है, हमारे माता पिता ने तो ये सिखाया कि खेत में करो और नाज हो जाए तो गेहूं खा लो और चावल हो जाए तो चावल खा लो। थामा थामा,
अगर तुम्हें चाह रहा है खाना तो मैं कब मना कर रही? मैं हूँ किस लिए? खाना बनाने के लिए हूँ आखिर, तुम्हारी सेवा करूंगी, मैंने कब मना करा? तो खाना तो जब दूंगी तू ऐसी बातें करती है, दिल पे कटारी से चल जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, छुरा ना चढ़ा दूंगी। अभी देख देख, खाना आप खाओ। क्यों जी? आप खाना तो जब ही खाओगे जब घर में कुछ होगा ना। घर में आटा है ना अनाज, सुनो ना अनाज है ना नोन है ना नमक है, है ना? अब कुछ भी ना, ईंधन भी ना है, कुछ ना है घर। तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे क्या करोगे फिर? हाँ क्या करूँ फिर मैं? कुछ ना है ना, मैं क्या कर सकता? जब कुछ नहीं है तो मैं पका के क्या रखूँ? नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या चाह रहे हो? मैं गाली गाली ये दूँ अब? मतलब है मतलब ना? जब कुछ मतलब तू अपने आदमी को गाली बकेगी ना? तो गालियों को तब्दील में बताऊँ फिर क्या बना के रखूँ? नहीं तो बना ले कुछ, ऐसा ऐसा तो है नहीं, कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ पड़ा होगा, कुछ खिला दे, कुछ खुद भी खा ले और मुझे भी खिला दे, कल कल दे। अच्छा चलो, तो तुम्हें कुछ दिख रहा तो तुम खा ली? चल अरे क्या खाओगे? क्या खाओगे अंदर जाके? नहीं तो ऐसी बात थोड़ी है, कुछ ना कुछ होगा। चप्पल जूते खिलाऊं तुम्हें? हैं ना क्या हो रही है? हद से पार हो रही है। अच्छा, हाँ, मेरी जबान मत खुलवाना, समझ में आ रही है ना? बहुत देर हो गई इज्जत अजवाई करते हुए। मतलब हाँ, अपने आप को आए बड़े क्या खिला दू, क्या खिला दू? अपने आप को काट के खिला दू? तुम्हें जिंदगी तो अपनी सारी जवानी तो लुटा के रख दी तुम पे, आप क्या तुम्हें खुद को खिला दू? बच्ची कुछ खा जाओ तुम, मुझे आए बड़े खाने वाले। आइए गुन्नाती हुई डरा रही है, डरा। अब मेरी बात तो सुन लो जी, अगर तुम इस घर में रहना है ना, प्रधानी गई तेल लेने। हाँ अब मेरी बात सुन लो तुम, कल से काम पे चाहिए। अगर तुम इस घर के अंदर रहना है और अगर चारों रोड पे जूते मैं काम करता हुआ चलूंगा, चार लोगों के गांव के चार लोग क्या कहेंगे कि ये सरपंच 22 गांव का सरपंच काम करने आ रहा है? तो सुन लो जी, या तुम्हें जूते चाह रहे हैं मेरे बीच रोड पे या काम चाह रहा, दोनों में से डिसाइड करके सुबह बता दी मुझे। आप सुबह की सुबह देखना, आप तो कुछ दे दे खाने। कुछ ना है यहाँ पे। और मेरी बात सुनो, घर में तो कुछ ना, पहले जब बाहर से कुछ लिया हो तो आ जाना घर के अंदर। जाओ ऐसी बात मत, मैं ऐसी कोई बात ना मुझे मत दिखाओ, ये लिल्ले टिपटे इस आदमी को तो मैं सुधार कर रखूंगी। अरे कहाँ गई? अरे भींदड़ी, अरे कहाँ गई थी? आज तो भूख लग रही है। कहाँ गई? शॉपिंग करने गई थी, जो तुमने नोटों की गड्डी थमा दी थी ना। अरे भाई हाँ। तुम्हें कैसी पागलों वाली बातें करती है? अरे भूख भूख लग रही है, मैं जरा खाना पीने की है व्यवस्था। हाँ, हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नोटों की गड्डी रख के गए कि ले बहू और मेरे बेटे को खिलाती रही हो गरम गरम कचौड़ियाँ बना के, है ना? कुछ करते धरते तो हो नहीं, राशन वाले का उधार कर रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती रोटी मांगने में? अरे तो आया होगा क्या राशन? मर दो क्यों, हम क्या तुझे लुगाई जनानी जानने पड़ते हैं? अरे लुगाई होते ना तो भी अच्छे, तुम तो मर के किसी औरत का या कुत्ते बिल्ली का जन्म ले लो ना तो अच्छा है। कैसी फालतू बातें कर रही है मींदड़ी हमसे तू? चुप रहो, कैसी फालतू बातें कर रही है, है ना? मुझे एक चीज बताइए जी, क्या है? ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तो शुरू में तुमने मुझे मीठी मीठी बातों में अपनी में फंसा लिया है कि मेरे पास ये है मेरे पास वो, जो मैं अपने घर से लेके आई थी वो सब बेक खा लिया। मुझे क्या पता इतने नंगे खानदान के हो तुम। अरे यादा फालतू बातें मत करे, हमारे पास देख सब चीज है, देख जमीन जायदाद सब, सबसे परिपूर्ण है हमारा घर। हाँ वो जो जमीन जायदाद में जाकर मेहनत नहीं करोगे ना तो वो जमीन जायदाद में अपने आप उपज के गोबर नहीं आ जाएगा तुम्हारे मुंह में भरने के लिए। कैसी फालतू बातें करती है तू हमसे? चुप रहो, मेरा खून मत खौलाइए, समझ में आ गई ना? हाँ तो खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो तो थोड़ी करा दे। नहीं है खाने के लिए यहाँ, कुछ नहीं है और ना मैंने बनाया, और बनाया भी होगा तो भी नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी मुझे? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे क्यों तरसा रही है तू? क्या तरसा रही है? अच्छा ये तरसाना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? और राशन वाले का उधार करके तुम बैठे रोज दरवाजे पर, सुबह सुबह उठती हूँ उसकी सूरत पहले दिखने को मिल जाती है मुझे। अब नहीं दिखेगी, अब नहीं दिखेगी। क्यों उसकी सूरत क्या बदल दोगे तुम? अरे बदल नहीं दूंगा, उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगा, तू चिंता मत करे। पहले तुम मेरे मुंह पे तो फेंक के मार लो पैसे, जब तो उसके पे मारोगे पहले मेरे हाथों में ला के दो पैसे, मैं तब मारूं। अरे दे दूंगा, तू काहे को इतनी गुस्सा सी होई करे ये बता। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ जी, समझ में आ गई ना? तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। अरे तू मैं कह रही हूँ इस गांव में ऐसा किसी का पति नहीं होगा जैसा मेरे नसीब में लिखा हुआ है। क्यों क्या कि इस गांव में मुझ जैसा पति नहीं होगा कि जैसा तुझको मिला हूँ मैं। ओहो हो, तुम तो बहुत अच्छे भगवान, ऐसा पति तो मुझे 7 जन्मों की बात कर रही हूँ, पूरी जब जब जन्म लूँ ऐसा पति देना ही मत। बिल्कुल देना, तू क्यों टेंशन ले रही? अब तो देख तेरी कितनी चाह रखते हैं कि ऐसी हो तो पत्नी ऐसी हो। मेरी चाहना तो तुम रखोगे क्योंकि मैं हुई ऐसी। अब ये फालतू की बात है मुझे मत सुना। अरे मुझे भी तुम्हारी फालतू की बातें सुननी नहीं है, समझ। अरे तू चिंता मत करे, तुझे अब कोई नहीं आएगा घर पे,
पैसे मांगने से लेके सब कुछ लेके मैं मेहनत करूंगा, चिंता मत कर, लेकिन अभी तो खाना खिला दे भाग्यवान। देख पेट पेट में देख रही है तू, है बड़ा हल्का सा हो गया पेट मेरा, हमें खाना खाना दे दे, मुझे दे दे, चलो आओ खाना दो। अब गुस्सा सी बात करे भाई, खाने में बहुत अच्छा स्वाद था तेरे में, मैं तो तेरे हाथ की बनाई हुई सब्जी की उंगली चाटता रहता हूँ। एक बात बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ बता। आज खाना खा लिया फिर क्या, शाम को खाने की उम्मीद मत करना, शाम को क्या कभी खाने की उम्मीद मत करना जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आ जाते। खाना तो दूर की बात, तुम्हें घर का पानी तक नहीं पीने दूंगी। ये पागलों वाली बात मत किया कर, तू है का है बता। मैंने तुमसे कह दिया आज तुम्हारा लास्ट दिन था खाने का, मैंने बहुत देख लिया, अब तुम्हें जहाँ जाना है या कहीं से भीख मांग के अपना पेट भर लो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ यार ये कैसी औरत, 10 सालों से मैं तुम्हें झेलती हुई आ रही हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। अरे तू चिंता मत करे ठीक है, तेरे लिए पैसे लाके दूंगा, सब चीज लाके दूंगा, सब्जी लाके दूंगा, सौदा संपत्ति सब लाके दूंगा, और बता। दो ये जीभ हलाने में ना एक सेकंड नहीं लगती ठीक है ना, ये जीभ तो ऐसे हला देते जैसे कपड़ों पे ऐसे गंदगी, समझ में आ गई ना, ऐसे अपनी जीभ से गंदगी बक। तू खाए को मेरा दिमाग खराब करती है ये बता दे। मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करी, देखो जी तुम कल को भैया भूखे कुछ हो आ गया ना तो तुम सोच लो, हाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा मुझे क्या हो जाएगा, मैं तो अभी भी ऐसी की बनी की बनी ठनी। अरे तो तू तो बनी है, लेकिन तू मुझे क्या कर देगी, मुझे ये बता है। भूखे मर गए तो फिर क्या करोगे? अरे ले मार दे तू, तू नहीं मानेगी मुझे मालूम है। मैं कह रही हूँ घर में पैसे कमा के लाओ तभी तुम्हें खाना पानी रोटी पानी सब कुछ मिलेगा। तू चिंता मत करे ठीक है, मैं कमा के लाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तूने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया और मैं जाता हूँ खेत पर ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, चिंता मत करे तू। अरे भाई सरपंच जी, राम राम। अरे सीता राम सीता राम। और जी कैसे हो? सभी ठीक ठाक हैं। अरे यार हम तो बड़े दुखी हैं इस समय, तुम्हें क्या बताएं, तुम भी सरपंच रहे हो तुम्हें भी मालूम है सब स्थिति, और हम भी सरपंच रहे हैं पिछली बार तो हम तो रहे सब स्थिति सब भी रहे बेकार हो गई यार, अब काहे के सरपंच नाम ही नाम रहे। अब ये समझ लो बड़ा ही दिमाग खराब है, मैं अभी जब घर से आ रहा हूँ ना तो ये समझ लो कि हमारी जो बींदनी है वो इतने ताने सुना देती है हमको कि पूछो मत कुछ भी। जो हाल आपका है ना वैसा ही हाल मेरा है। अच्छा ये समझ लो जीना हराम कर दिया उस औरत ने मेरा। अरे घर में घुसता हूँ ये लाओ वो लाओ वो लाओ, और फिर उसका कहना सही है हाँ। जब तक हम सरपंच थे खाया और चाट लिया सब पहुंच लिया खाके, सही बात। अब दुखी हो रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हमें काम धंधा तक नहीं है, और ये और एक कहानी बन गई है कि सरपंच हो चुके हैं, अगर किसी के साथ मेहनत भी करने जाएंगे तो बुराई है, गांव में बदनामी होगी। बताओ के फलाने गांव को सरपंच हमारे यहाँ काम करवे आप तो बताओ, ये ऐसे बिल्कुल बड़ी कहानी दुर्लभ है गई है, याद आए करना क्या है। अब ऐसा करो सुनो मेरी बात, तुम परेशान हो मैं भी परेशान हूँ, हल निकालो इस बात का। अब ऐसा करो कुछ पैसे की व्यवस्था तुम बनाओ और कुछ पैसे की व्यवस्था बनाता हूँ मैं। पैसा ही होते तो आज वो सुनाए ना रही होती मुकू, मैं बताऊं तुम्हें बात साहब, तो मतलब मरे हुए कुत्ते जैसी हालत हो गई है तुम्हारी। अरे बात देखो भद्दा रह गई है वो तो, का बेचे मेरे सामने। अब ये समझ लो खाना खा के आया हूँ ना, तुझे कह दी मैंने मेरे कान में कि अब तो खाना खवा दो, रात की उम्मीद मत करियो, भिखारी जैसी हालत हो गई। अरे वो तो समझ लियो कि राम राम के नाम पर नैया चल रही है, नहीं तो जेव धारा में भेजाई खाऊ दिन। तो अब चलो व्यवस्था बनाएंगे तो फिर क्या करते तो हैं, कुछ धंधे की व्यवस्था बनानी तो पड़ेगी, मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा काम। अच्छा तो फिर तुम निकलो, फिर मुझे बताइयो है जरूर जवाब में, बिल्कुल जोड़ो सोच सात सोच विचार के मुझे बताना प्रधान जी है ठीक है। राम 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 जी राम राम। अरे सुनती हो क्या? अरे कहाँ चली गई? अरे ठकुराइन अब इस नाम से मत पुकारा करो मुझ पे, अब शोभा ना देता है ठकुराइन। क्यों? क्योंकि मेरे जैसी भिकारन कोई ठुकरान ना होती सर। यार इसी चक्कर में तो मैं तेरे पास आया हूं। ना ऐसी काय के ठुकरान, हाथ में पल्ले में दो कौड़ी पैसा भी ना, पहले तो नोट की गड्डी बंदी रहती, अब तो दो पैसे भी ना रहे। तो जब अगर ये सब संभाल लेती तो आज ये दिन ही ना देखने पड़ते, खाया चाटा काम खत्म। तो ये बात तुम मेरे से कह रहे हो? दोनों के ऊपर है ये तो। अच्छा मेरे ऊपर क्या है? दोनों के ऊपर। जब तो जवानी का जोश में यूं कहते, तू अभी मुझे का मर्द नहीं समझती है। अरे मेरे हाथों में बहुत जान है, मैं कमा के रख दूंगा। अरे तू अभी खा पी, तो तुम तो कभी खूब दोस्तों को बिठा रहे हो, अरे खूब बिड़दा पी रहे हो और खूब मजे उड़ा रहे हो। अब मेरी बात सुन, बस रहने दिया करो जी। अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या हो गया? अब इससे ज्यादा भी कुछ होना है? जब तुम्हें पहले ही मना करा था कि ये हराम का पैसा ना लाओ, फिर धानी का ऐसे ही हाल होते हैं, हराम के पैसे को दूसरों का मेहनत का पैसा खाओगे तो क्या होगा?
अब इतनी समझ होती तो ये आज गलती ना होती, आज ददर की ठोकर। अरे पहले से ही तुम्हारे पास जब पैसा था दादी भाई, अरे तुम उसे ही संभाल के रखते है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपना कोई किसान फेती खेती बाड़ी करते, चार मजदूर लगाते, भैंसे लगाते, डेरिया बनाते। अरे पैसा नोटों की खान होती तुम्हारे पास, लेकिन क्या, अरे लुगाइयों की सुनता कौन है ये समझ ले। अरे जूती है पैर की सुसरी, इसकी कौन मानेगा। अब तू इन बातों को छोड़, मेरी बात छोटी से सुन तो ले। अब देख मैं सरपंच रह चुका हूँ, अब मैं कहीं काम धंधे पर जाऊंगा लोगों को लगेगा अजीब सा। क्या लगेगा, पता भी तो चलना चाहिए कि तुम जैसे बेईमान सरपंचों का क्या हाल होता है। अरे तू यार जब घर का आदमी ऐसे बोलेगा तो बाहर का तो बोलेगा ही बोलेगा। क्यों ना बोलूं मैं, क्यों दुख परेशानी कौन उठा रहा है, मैं एक बाहर वाले दोनों ही उठा रहे हैं दुख परेशानी। तो तुम क्या एक उठा रहे हो। क्यों मैं परेशानी ना, बाहर जाके हुक्का फिली का गुड़गुड़ मिल जाता है, घर में आकर लुगाई की छाती खा के तुम्हें खाना मिल जाता है। अब मेरी बात सुन, अब ऐसे काम धंधा नहीं चलेगा, कुछ काम धंधे की सोच लो, कुछ कुछ पैसे वैसे हो, नहीं तो जेवरात वेवरात हो तो कुछ दे दे यार। आ गई वही बात, एक दिन ऐसा करो मुझे ले जाके फेंक दो। यार तू करती है उल्टी बात, करती हो ना जब बुरी अजीब सा लगता है मुझे। अब चलो छोड़ो तुम, क्या तुम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था क्या चाह रहे हो मेरे से। मैं काम धंधा करना चाह रहा हूँ, कुछ काम धंधा हो जाएगा अपना तो अपने टेंशन फ्री हो जाएंगे, तू भी चैन की खाएगी, मैं भी चैन का खाऊंगा। अब मेहनत करके कमाएंगे, मेहनत करके खाएंगे। ये तो काली माता के हाथ में है, कौन सा दिन आगा मैं चैन की खाऊंगी माता रानी। जब ही तो कह रहा हूँ मैं, अब कुछ दे दे मुझे ऐसा, अगर तेरे पास हो तो कम से कम चल जाएगा काम धंधा, और कुछ नहीं। समझ मेरी बात को, विश्वास कर मुझ पर। मैं सब समझ, एक आखिरी बार और विश्वास कर ले, बस आखिरी बार। समझ गई मैं, समझ और इतना याद रख लो, मैं सारी परेशानी बिना कहे समझ रही हूँ ना, कुछ कह नहीं रही हूँ, मुझे ये वापस चाहिए। बिल्कुल गिरवी रख कर बिल्कुल, से जो चाहे बिल्कुल करो। निश्चिंत रहे, हाँ, ये चूड़ी अब ये करके दिखा देना कि हाँ मैं मर्द हूँ, प्रधानी नहीं कर दिखाना, एक किसान की तरह। कह नहीं देते एक किसान एक बारीक से बीज से ऊपर बढ़ता है, ऐसी बढ़ के दिखा दो। बिल्कुल तू निश्चिंत रहे, अब आराम से कम अपना दिमाग तो फ्रेश कर, फिलहाल के लिए तू टेंशन में होती है, मुझे अजीब सा लगता है। मैं तो हूँ टेंशन में। चल अब तू आराम कर, मैं देखता हूँ काम धंधे की व्यवस्था को। अरे भिंदड़ी, अरे कैसे हैं? कहाँ से आए हो? अरे कहीं वहीं गए हो, खेत में गए हो, खेत पे आ गए। मैं तो मारे ना 4 बजे के सामने अपने आ गए है। अरे मैं जी कह रहा हूँ, वो एक बात करनी तो बहुत जरूरी है। क्या करी आए है? खेत में क्या करके आए? अरे वही अभी तो बारिश वारिश पड़ गई 2-3 दिन पहले, अब जाको टेंशन दिमाग खराब है वो। अब ये समझ ले वहाँ से कुछ पैसा आनो ना है, और एक बात करनी मुझे तोते बहुत जरूरी। बोलूँ मैं? देख तू मान ले, देख गुस्सा तो भाई हो, मैं भाग्यवान। अरे बोलोगे भी? देख ऐसा है, मैं बताऊँ कुछ पैसा दे दे जो कि मैं कोई छोटा मोटो कोई काम धंधो चालू कर दूँ। मैं बात समझे कर है ना, तो मैंने की हकायत तोते कम से कम ज़्यादा ना है 10-20 हज़ार रुपये कछु। अगर चीज़ रखी हो घर में तो आज चीज़ें रखवाए गए 100 रुपये और बातें पैसा ले लेंगे। शर्म नहीं आ रही है? है? ना शर्म नहीं आ रही ये सब बोलने में तुम्हें? मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस घर में तब घुसना जब पैसे लेके आओ है? अपनी ये मनुसूरत मेरे सामने ले खड़े हो गए हो ना। गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि फालतू बात मत करो, तुम मेरे पति ना होते ना तो तुम्हारा गला घूट देती। फालतू की बात मत करा कर है? वैसे तो जब तुम प्रधान बने घूमे थे, अब क्या हुआ तुम्हारी प्रधानी का? तुम्हें तो गली के कुत्ते भी नहीं पूछते, भौंकते और है तुम पे। हाँ अब तुम्हारी कुत्ते वाली भी डर नहीं रही। अब दे जा मैं क्या कर सकूंगा प्रधान ना हो मैं ना। क्यों, जब तुम प्रधान बन के सब कुछ उड़ा दिया, यार दोस्तों में सब कुछ गवा दिया, आज उन्हीं यार दोस्तों से अपनी मदद मांगो ना है ना, तुम्हें दरवाजे पे कुछ चढ़ने भी नहीं देगा अपने पे। ना बेसो है भाग्यवान, पागल मारी बात ना। देखो अब वो हमारे जो यार दोस्त आते कहा है, उनने तो मुझे बात शिक्षा दी है कि है का है भैया कछु अपनी बीवी से कछु करके ने कहा। यार दोस्तों ऐसी देंगे ही, यार दोस्तों से नहीं कह सकते थे कला तू हमें 10-20 हज़ार का सहारा दे दे? उनने तुम्हें यही सलाह क्यों दी है भाई? वो देख वो यही सलाह क्यों दी मुझे ये बताओ। अरे तो बागल एक बात बताए, कछु चीज तू देगी है का है? जब पैसा देगी मुगु, मैं बात छोटे मोटे कोई धंधा चालू करूं, वो चुर्र मुर्र जा कैसे। मैंने इसी चक्कर में छोटे मोटे धंधे के चक्कर में अपने सारे जेवर तुम्हें दे दिए, अब थोड़ी बहुत चीज बची है सो वो भी तुम्हारी आंखों में जम दिखाई दे रही है।
खटक रही है कि वो भी कैसे भी खत्म हो घर में। अगले एक बात बताए, मैं ऐसा सोचाऊंगा कि मेरे घर में जो चीज है अगर मुझे अच्छी ना लगे। ऐसे तुम कई बार नहीं ले गए मुझसे कह कह के, कितनी बार के मैं धंधा शुरू करने वाला हूँ, बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे कम से कम हर बार। लेकिन अब तो मैं चौकस हो गई कि तुम मुझे जरूर बेवकूफ बना रहे हो। ना 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 पागल है ये, तू क्या है? एक बात इस तरीके के भोले बन के खड़े हो, जानते नहीं हो। एक एक रुपया के ना दो पे हाथ फैला तू मैं कार्यो फैलाओगे ना, है जाके कटोरा ले लो और जाके कहीं किसी माँ पे बैठ जाओ, है ना, अंधे वाला चश्मा लगा के और फटे कपड़े पहन के। दो चार रुपए तो कोई ना कोई डाल ही जाएगा, मोहवार होगा तो जरूर डाल के जाएगा। पागल ऐसी बात मत करे, करे तू तो हमारे घर की है, शान वान शान है। अब जब तू ये इस शान वान शान के भी कुछ अरमान है, ठीक है ना? वो पूरे होंगे जरूर, चिंता मत करे, पूरे हम करेंगे। मोहल्ले गाँव की औरतों को देखो कितनी चटक मटक से रहती है, हमें देखो। तू भी देगी, चिंता मत करे, एक दिन तू भी देगी। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करे। तुम्हारे ये हाल रहे तो पूरी जिंदगी मर जाऊंगी, बुढ़ी हो जाऊंगी, कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल होगी, ये बात मत सोचा करे फालतू वाली। तुमसे तो मैं उम्मीद लगाना छोड़ ही दिया है जी। देखो मैंने तुमसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी पता है, तुम्हारे मुंह पड़ गया हराम का। नहीं हाँ, प्यार मैं मेहनत का खाता हूँ। हाँ मेहनत कहाँ करते हो? अरे भाई, अरे अच्छा जो वो तुम्हारे वो मील जो चल रहे हैं तुम्हारे ही चल रहे हैं। अरे जे पागल वाली बात है, मत करे करे। ट्रक जो ये जो गली में ट्रक खड़ा है तुम्हारा ही तो बात समझे कर, साफ साफ बात पे आया कि मुगु दे कछु दे दे का या तो चीज वस्तु तो वो दे दे करके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कल को कोई 19-20 बात हो गई, कल को तुम मर गए, बीमार हो गए है, तो फिर मैं कम से कम उस चीज को गिरवी धर के तुम्हारा इलाज तो करा दूंगी। अरे ना पर मैं बीमार ना पड़ूंगा, चिंता मत करे। हाँ, अमृत का प्याला पी के आयो, अमर कुंड में नहा के आयो। तुम्हारी अम्मा जब मरी थी ना, अमर पैदा करके गई थी तुम्हें। ये फालतू की बातें मत करे, चुप रहो, फालतू की बातें मत करा कर। अरे तो हमें दे दे भाई, भाग्यवान तू काई गू जे काई गू। देखो जी मैं अपनी चीज नहीं दूंगी, नाच करवा रही ये विवाह। मैं नहीं दूंगी अपनी चीज, बात समझे करे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आज एक बात बताऊं, अगर बात वो चीज दे देगी तुमों को तो है, देख बात में कभी छोटा मोटा धंधो कर लूंगा यार। ऐसी बात करते है तू, है पागलन वाली बात कर रही बिल्कुल, जब तेको तब है तेरी कचू समझ में ही नहीं आती है मेरी बात समझ। रुक जा, ला रही हूं। आ ले आ देख किधर, अब देख बात समझ ले आ। ये वाह देखो हमारी बिंदड़ी कितनी बढ़िया है, चलो अभी लेके आ रही होगी। अब है मुँह कछू देखना पड़ा, काम धंधा बिल्कुल बढ़िया तरीका से ले आई। किससे बतला रहे थे अकेले खड़े खड़े? ना ना मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी बिंदड़ी देख कितनी बढ़िया है, इतनी बड़ी कितनी प्यार दे लियो। लो अच्छा, ये बाद में आ जाएगी, छूट के चिंता मत कर। अरे आज तक कोई चीज छूट के नहीं आई तो इसकी कैसे उम्मीद लगा लूं? अरे कैसे आ जाएगी ये छूट के? बहुत ज्यादा प्यारी रहेगी ये, मुझे चिंता मत करे, ठीक है? ये मेरी दादी ने दिया था ये लॉकेट। अच्छा ठीक है ना, मेरी शादी में बिल्कुल आवेगा, लौट के आवेगा ये लॉकेट। लौट के आज तक जब वो चीज नहीं आई तो ये चीज कैसे आ जाएंगी? ना चिंता मत करे, आवे और चिंता मत करे। अब ऐसा अपनी मनुसूरत लेके यहाँ से निकल जाओ। दे दे फालतू यादें मत करे, चले जाओ। चाह तो तू जाए, तू जाए, तुम जाओ। चल तो मैं जा रहा हूँ ठीक है। अबे यार अब जी ये सामान तो मिल गया, अब देखता हूँ शायद उस प्रधान ने भी कुछ व्यवस्था बनाई होगी और उस पैसे वो सामान और पैसा जीत के और मैं फिर खोलूँगा बढ़िया कोई धंधा एक नंबर का, और फिर मेरा नाम दोबारा सरपंचों में की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा इस गांव में। भाई हमारी बिंदड़ी ने निकाल के दे दो जी लॉकेट भाई अम्मा को, तो अब सेवा है जो जल्दी सेवा है, जाते अरबपति खरबपति बन सकें वो सेवा है जुआ। और हमने प्रधान जी तो कही दई जा बात की, शायद प्रधान जी कोई व्यवस्था बना रहे हों कुटुम कुटुम, तो देख लूँगा अगर उनसे विद मिल गई मेरी तो उनसे जुआ खेल लूँगो, वो जितना उनका पैसा सबरो अपने पास और दोबारा थे प्रधानी में नंबर अपना उपचो। अब मैं भैया प्रधान जी तो मिलतूँ है कहा देख तू। अरे भाई प्रधान जी, राम राम। अरे राम 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 राम। और बढ़िया राम सिंह? बस बढ़िया है चरण सिंह प्रधान जी, और कैसे हाल चाल है तुम्हारे? बस कृपा है बस। अरे अब कुछ व्यवस्था बना के लाए हो? ऐसे घूमते फिरते हमारे पास दोबारा वो कुत्तन की सी गत लेके आ गई हो आप। अरे व्यवस्था तो प्रधान जी तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारी व्यवस्था कहाँ बनी बताओ सही। व्यवस्था देखो ये बनी रखी,
सोने की चूड़ी है तो ये क्या है, दांत दिखा रहे हो, सोने की चूड़ी है, बहू से लेके आया हूँ अपनी से। अच्छा, काम धंधे के चक्कर में। अरे मैं भी लेके आया हूँ, देखो लॉकेट लेके आया हूँ प्रधान जी, देखो। अरे वाह, चमक रहा होगा प्रधान जी, दिखा दो। अरे इसे हाथ बबल लो, ये बेहद गिर जाए, हाथ बबल लो प्रधान जी, देखो। अब मेरे दिमाग में यार तुम पे भी गुस्सा मान है सोने का, देखो तुम पे भी है। अब व्यवस्था कर लो, क्या कर रहे हो बताओ। अरे व्यवस्था का यार, हम तो यूँ सोच रहे हैं कि थोड़ा ताश फास खेल लिया जाए। हाँ, तो अपना काम बन जाएगा, ताश फास खेल के दोनों का जुआ खेलने तो है। हाँ, या तो इधर का माल उधर, या उधर का माल इधर, और पैसे दोनों पे डबल हो। ठीक है ठीक है प्रधान जी, जैसे तुम्हारी इच्छा, तो चलो पलंग चल रहे, वो पेड़ के नीचे बरगद के बैठेंगे। ठीक है, चलो प्रधान जी, चलो प्रधान जी, चलो राम जी, चलो प्रधान जी, तो नहीं बैठ ले रहे। हाँ, कहीं डालो प्रधान जी, ज्यादा कहीं आनंदी ना, आनंद मंगल है, ठंडी ठंडी हवा, चल बैठो, कपड़ा तो बिछा लेते। वही तो कह रहे प्रधान जी, तुम्हें बैठे भी पहले पड़ रही है। कपड़ा बिछा लू, तो कपड़ा बिछा ले, चमक और मार रहा कपड़ा, इस पर नोटी नोट दिखेगा। बैठो प्रधान जी, बैठो, राम राम कहो, जय हो। हाँ जी प्रधान जी, बोलो क्या बात, तो चालू करो फिर। बोलो बोलो, क्या पूछो तुम ही, तुम्हें काटो प्रधान जी। हाँ, जिनके बड़े होंगे वो जीत जाएगा जी। अच्छा प्रधान जी, हाँ, जिनके पत्ता बड़े होंगे, जिनके पत्ता बड़े होंगे। देखो बादशाह हमारे पे पहला, बादशाह। हाँ तो लो, हमारे बच्चा हुआ। अरे मैया, अरे मैया, के तो जुआ खेल लो यहाँ बैठो बैठो। मेरी तो सबरी रकम चली गई, मेरे तो जो मेरे तो कॉलर चला गया सोने को, है ना, मेरे तो यार कर्म ही फोड़ दिए। वाह को और खसम लग रहा है, वाह, और बताऊंगी जाके कि देख ले अपने धरेला की बातन ने। अरे उस्मा दीदी, उस्मा दीदी, अरे अरे अरे, क्या हो गया सोनिया बहन, क्या हो गया, कैसे आई, क्या हो गया ये पूछो, क्या नहीं हो गया, क्या हो गया, सब कुशल मंगल। तुम्हारे पति कहाँ है? पति? हाँ यार, पति के तो मत पूछे यार, गए होंगे कहीं रोटी पानी के हिसाब से। क्यों, रोटी ना दी घर में? मैंने तो ना दी। ना दी? हाँ। चलो मैं दिखाती हूँ क्या हो गया। मेरे साथ चलो, मैं खुद दिखा दूंगी। चल तो फिर, चल ताश खेलने, ताश। क्या जुआ, जुआ ले रहा, तेरी गलतफहमी हो रही है। हाँ हद हो गई तुझसे तो। एक बात बताऊं? हाँ। मानती हूँ कि वो क्या कहते हैं मेरा, वो तो भली है कि तुम्हारा आदमी ऐसा है। हाँ। अगर ऐसा ना हो ना, तो तुम तो किसी चीज पे विश्वास ही ना करो। अरे तो क्या हो गया बता दी, जुआ खेल रहे हैं, जुआ, गलत फहमी बता रही हो उसे। अरे आंखों से दिखा दूं मैं तुम्हें। अरे बस, अरे मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, चलो चल तू, चल आज तो। प्रधान जी अट्ठा जेरो, ये लो दुग्गी, ये लो गुलाम, ये तिग्गी। क्या हो गया प्रधान जी, क्या खेलना बंद कर रही हो क्या? और प्रधान जी, अरे अरे कैसे है, अरे कैसी आना बहुत तेरा। अरे अरे अरे, क्या हो रहा था ये? रामायण पढ़ रहे हम। क्या कर रहे थे ये बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा था, रामायण पढ़ रहे थे हम। रामायण पढ़ रहे थे, आजा तू भी गीता पढ़वा दे रही। हम दोनों प्रधान प्रधान प्रधान। ये क्या, ये रामायण है? ये राम जी है, ये राम जी हुआ, ये लक्ष्मण जी है, ये तो उड़ते हुए हनुमान जी, ये शत्रु थे। ये रामायण पढ़ रहे थे? हाँ, ये कही तूने बात, रामायण पढ़ रहे थे, ये कही तूने गुज्जरन वाली बात, अब उठा ले रावण। अरे लेट उठा, रावण पढ़ रहे थे, यहाँ को आ जाओ, यहाँ को आ गया, जा तुझसे तू ही क्या बात करूंगा। हाँ सही कही तूने, आ जा इधर। हाँ बता, कैसी बात, ये बता तू, ये बता तू, मेरी जो तू मेरा कड़ा लेकर आया, पूछ ले, पूछ ले, कहाँ है वो कंगन? अच्छा क्या कर रहा था तू यहाँ पर? हम दोनों श्री राम जी की पूरी मन से श्रद्धा से, मैं भी आज आज मैं भी पूरी सीता मैया बन के दिखाऊंगी, वो प्रतिवृता औरत बन के दिखाऊंगी जो मेरा गीता में सबसे पहले नाम हो। क्यों? जब ये राम पढ़ रहे थे, सीता मैया पढ़ रहे थे, और हम भी आज वो बन के दिखाऊंगे कि हाँ प्रतिवृता वो है जो अग्नि में फूट जाए। देवर जी मन तो ऐसा कर रहा, तुम मेरी फ्रेंड के अगर पति ना होते ना तो। अरे नहीं, हम वो बन के दिखाएंगे जो पति के लिए अग्नि में कूद जाती है, प्राण दे देती है। आज यहाँ अच्छा तांडव होगा। प्रभु राम की सेवा कर रहे थे हम। अरे